फ्रॉम क्वेश्चन फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव में यदि एक्सप्रेस का एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब इसको इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 16 का आप फैक्टर कीजिए. तो 2 8 16, 2 से 8 4 2 4 8 एंड 2 2 4 और 2 1 2. तो आपने इसकी पावर कितनी लिखी, 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 अपॉन 225. इसके लिए आप कर दीजिए तो 225. यदि देखो आप कितने टाइम्स में 3 से या तो 3 से कर दो या 5 से कर दो. देखो 5 से कर देते, 5 से 5 फाइव 25 अब 5 फाइव 45, 3 से 3 3 9 बजा. तो कैसे कर सकता, तो नीचे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह देखिए, -1 ये तो कोई पावर ही नहीं, 27 कर सकते हो आप. 27 का फैक्टर करके देखिए, तो आप 27 का हमने किया तो कितना है, 3 9 37 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 3 की पावर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू निकालनी है कि ये पावर 2 की पावर में अगर हम 32 को लिखें तो कितनी पावर होगी. तो यहाँ पे होगी, अगर हम 32 का फैक्टर कर दें 2 के रूप में, तो 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 8 2 1 2 1 2 3 4 5. तो 2 की पावर कितनी हो गई है, 5, यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया है 5. ये कितना आएगा, 5. नेक्स्ट, इसको अगर हम 25 को फैक्टर करते हैं इसके अंदर, तो आप देखो इसको रब कर दूं, जीरो पॉइंट टू फाइव के फैक्टर इसके बता रहा 5 के अंदर. तो 0.5 में 5 5 25 5 5, यानी 0.5 के फैक्टर कितने टाइम्स होंगे, 0.5 का फैक्टर होगा 2 टाइम्स. कितने टाइम्स होगा, 2. तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 2. यहाँ लिख देते हम एक्स इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट है सी, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3. अब है इसमें देखिए 4 अपॉन 13 सी डी और ई. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ई, 10 की पावर 10 का स्क्वायर. देखो 1 की पावर 1 होती है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 1 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8, 3 को 3 टाइम्स करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 16, और 16 को 4 से करो तो 64. अब आप इसको प्लस करो तो 64 और 8 कितना हुआ, 72 और 173 और 80 90 100. ठीक है, अब 100 को अगर हम पावर में लिखें तो 10 की पावर 10 का 10 की पावर स्क्वायर में कर दो, या तो कर दो 10 की पावर 2, यानी 10 × 10 हो जाएगा 100. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पी वैल्यू. पी वैल्यू के इसको सॉल्व करना है आपको. देखिए 30 − 3 की पावर 3, यानी 3 × 3 × 3, 3 3 9 और 9 3 27. 30 में से 27 माइनस किए तो कितना है ना, 3. पी वैल्यू हो गया. नेक्स्ट है 51 + 2 की पावर 3, तो 51 + 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 2 2 4 और 4 2 8, तो 51 और दोनों के बीच प्लस का निशान है इसलिए 59. 3 की पावर 4, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 3 27, और 27 × 3 कितना हो जाएगा, 27 × 3 3 7 21 3 2 6
और 1 81, ठीक है। तो ये हुआ 81 प्लस, ये प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस 17 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो कितना हो जाएगा 34। अब 81 में से 34 माइनस कर दो तो 11 में से, क्योंकि 1 में से नहीं जाता 4 तो मान लिया, बोलो 11 में से 4 गए तो 7 और 7 में से 3 गए तो 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 5, 2 की पावर 5 यानी 5 का मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 और 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 माइनस 5 को 5 के बीच में कोई निशान नहीं है, पॉइंट लग रहा है, तो 5 5 25। अब 32 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना बचना है, ये बचेगा 7, तो दिस इज 7। नेक्स्ट है माइनस 4 का स्क्वायर, यानी माइनस 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 4 16 प्लस। अब ये है माइनस 1 को 3 टाइम्स, तो देखो 1 का आता तो 1 ही है लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा आपका माइनस का 1 3 टाइम्स। अब 16 में से 1 माइनस हुआ 15। नेक्स्ट है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, वो लिखा 81 माइनस 4 की पावर 3, हमने 4 की पावर 3 पहले भी लिखा था, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 3 करें तो 64, 7 प्लस का साइन बता रहा है तो प्लस 64। अब दोनों का प्लस है तो इसका मतलब प्लस कर दो, 4 5 और 8 4 6 14, ये हो गया 145। अब है डेसिमोटल क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है डेसिमोटल, यानी कि आप इसको कर दो उल्टा, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 कर दो, ठीक है। अब इसका करें तो हम क्या करें कि माइनस का 1 अपॉन इसका डेसिमोटल हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 की पावर 5, पावर नहीं रहेगी बस उल्टा डेसिमल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 है, इसको कर दो आप 5 अपॉन 2 की पावर 4। ऐसे ही माइनस 5 अपॉन 11 है तो इसको कर दो माइनस 11 अपॉन 5 की पावर 2, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो नीचे लगाओ 1 और ये कर दो माइनस का 1 अपॉन 8 की पावर 5, ये हो गए आपने रेसिप्रोकल। इसका सामने लिखा हुआ है ए का बी का नीचे है, सी का नीचे है और डी का नीचे है। क्वेश्चन नंबर है 9, ये है ग्रेटर निकाले थे तो ग्रेटर के आप सिर्फ सॉल्व करो, कौन सा बड़ा है 3 की पावर 2 यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9। अब यहाँ कैसे लगाते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 तो कितना आ जाएगा 2 2 4 और 4 2 8। अब आप मुझे बताओ 9 बड़ा है या 8 बड़ा है, इसका मतलब 9 ग्रेटर है तो 9 ग्रेटर, यानी आप क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 इज ग्रेटर, लाइक दिस। ऑल द क्वेश्चन ऑफ 9 इन दैट पार्ट वो आपको खुद करने हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।